माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज स्मिता एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी स्किन को लाइट कर सकते हैं, अपनी स्किन पर ग्लो ला सकते हैं। और जो पैक है ये सभी स्किन टाइप के लिए है। अगर आपके एक्ने हैं तो भी ये पैक बहुत अच्छा है। अगर हम मार्केट से कोई पैक खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इसको हम एक या दो बार ही वीक में यूज़ कर सकते हैं, पर इस पैक को आप रोज यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी से बनाना। पैक बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स और ओट्स का पाउडर। मैंने ओट्स को ही ग्राइंडर में पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर जो है हल्दी, और हमें चाहिए होममेड प्लेन योगर्ट, और साथ ही में चाहिए हनी और हाफ लेमन और रोज़ वाटर। ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे पोर्स की डर्ट को क्लियर करके हमारी जो स्किन है उसको बहुत ही हेल्दी ग्लो देती है। और जो टर्मरिक पाउडर होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करती है और हमारी स्किन को एक नेचुरल ग्रो देती है। और जो योगर्ट होता है उसमें एक लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के पोर को टाइट करता है और हमें नेचुरल ग्लो देता है, और हमारी जो रिंकल्स या फाइन लाइन्स होती है उनको भी रिड्यूस करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो हनी होता है उसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और इसमें बहुत सा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो कि एक्ने रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी स्किन में, और हमारी स्किन को बहुत ही हेल्दी ग्लो देता है, और हमारी स्किन को जो फाइन लाइंस होती है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन पर एक ब्लीच की तरह काम करता है, हमारी स्किन को वाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और साथ ही मैं चाहिए रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को ठीक करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सभी चीज़ों से हम कैसे पैक को बनाएंगे। पैक बनाने के लिए हमें 1 जो स्पून है वो हमें ओट्स का, और जो मैंने ओट्स का पाउडर किया है दोनों इक्वली जो मात्रा में हम ले लेंगे। और साथ ही में मैं हाफ स्पून जो है टर्मरिक पाउडर का लूँगी, और इसमें मैं 1 स्पून जो है वो मैं योगर्ट का डालूँगी, और साथ में इसमें मैं 1 स्पून जो है वो मैं हनी का डालूँगी, और इसमें मैं जो हाफ लेमन है उस लेमन के जूस को डाल दूँगी, और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इन सभी चीज़ों से हमने एक ऐसा पेस्ट तैयार कर लिया है, और हम इस पेस्ट को अपने फेस पे लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और हमने जो ये फुल ओट्स जो प्लेन ओट्स थे उसको इसलिए यूज़ किया था कि हमें अलग से स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारा पैक जो है सूख जाएगा तो हमें क्या करना है कि एक स्प्रे बॉटल में हमने रोज़ वाटर को डालना है। रोज़ वाटर को अपने फेस पर स्प्रे करके उसको 1 से 2 मिनट के लिए मसाज देनी है। तो उससे क्या होगा कि आपको अलग से स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप उसको टैप के पानी से धो लें। और इस पैक को आप एक टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में 7 दिन के लिए रख सकते हैं, और इसको आप रोज़ लगाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी देखने को आएगा। फर्स्ट यूज़ के बाद ही आप अपनी स्किन में एक बहुत ही हेल्दी सा ग्लो देखोगे, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। हाय फ्रेंड्स, पहले मैंने अपने फेस को धो लिया है। अब मैं लूँगी एक ब्रश और अपना पैक, और अब मैं इसको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लूँगी। और मैं इसको नेक एरिया पर भी अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। मैंने फेस पैक को अच्छी तरह से अपने फेस पे और नेक पे लगा लिया है। तो अब मैं इसको
ड्राई होने के लिए 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब मेरा फेस पैक जो है ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इस पर रोज़ वाटर का स्प्रे करूंगी और फिर मैं इसको अपने हाथों से 1 से 2 मिनट के लिए मसाज दूंगी। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मसाज के साथ क्या होगा कि आपके जो डेड सेल्स हो गए वो निकल जाएंगे, तो आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। अब इसको हम ठंडे पानी से धो लेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।